यार दुकानें वुकानें बंद सी है, छुट्टी तो नहीं है आज कहीं? कोई नेशनल हॉलीडे में ध्यान नहीं दिया? राम राम जी। और क्या मौज आ रही है? आ भी रही है कि वैसी वक्त कट रहा है? सुबह का टाइम हो रहा है, मूड कैसा है? सुबह सुबह मूड कितना मस्त फ्रेश रहता है ना। पर जैसे जाते हैं रोड पे तो ऐसे लोग दिखते हैं कुछ की जो शक्ल पे दिख जाती है कि इनकी लाइफ में कितनी परेशानी चल रही होगी। तो वही सोच रहा था कि यार सुबह सुबह उठते के साथ ही अपना जो काम पे जा रहा है, जो कहीं पे जा रहा है, उसको ऐसी क्या परेशानी होगी कि उसका मूड अच्छा नहीं है और मूड खराब है। आज तो स्क्रीन प्ले की क्लास है यार, उसमें ना स्क्रिप्टें पढ़नी पड़ती है बहुत ज़्यादा जयप्रीज में ना, लंबी लंबी। तो अब जैसे जो इंटरेस्टिंग अच्छी सी पिक्चर है ना, उसकी स्क्रिप्ट तो चल टाइम लगा के पढ़ भी लो, पर जो पिक्चर ही बहुत ज़्यादा बोरिंग है वो तो देख ही नहीं जाए, उसमें उसके बारे में पढ़ना तो बहुत ही आफत हो जाती है, करना तो पड़ेगा। अब एक हफ्ते बाद से छुट्टियां चालू हो रही है, पहले एक हफ्ते की छुट्टियां गोल्डन वीक रहता है ना, तो उसमें वही कहीं जाना है घूमने फिरने, और कोई जिसके साथ टाइम मैच करे, कोई जज्बा जिसमें हो तो कोई है नहीं। तो इस बार कुछ केड़ा सा एडवेंचर करने का मन में है यार, अजय के अलावा कोई और तो जाएगा नहीं मेरे साथ। हम दोनों जाएंगे, सोच रहे हैं वो सुसाइड फॉरेस्ट जाए या फिर कहीं और कैंपिंग वैम्पिंग करे, वो डिसाइड करना उसे घर जाके। तो अरे अभी इनमें से ना एक ने बोला था कि यार जो जिन लोगों की पियर्सिंग रहती है ना वो बड़े कूल लगते हैं मुझे, तो हमने इसको चढ़ा दे, अरे अभी तेरा करा देते तुझे भी कूल बना देते हैं हम एकदम सटासट, चिंता मत कर, उसको चढ़ा दिया और उसका कान छिदवा दिया, वो बताता हूँ अभी। पर उससे पहले अरे टिकट विकेट बुक करा लिया, अब मैं और अजय जा रहे हैं सुसाइड फॉरेस्ट, वहीं करेंगे कैंपिंग। अरे हाँ, पर उससे पहले आज की वीडियो के स्पॉन्सर है वीगो। वीगो जो है ना दुनिया भर में चलने वाली ग्लोबल ट्रैवलिंग ऐप है, उससे होटल बुक करा लो, उससे फ्लाइट बुक करा लो। मैं तो जैसे जापान से चलाता हूँ ना, तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में और बहुत सारी करेंसीज में चलती है, एकदम मस्त। होटल तो मैं इसी से बुक करवा लेता हूँ, होटल में Airbnb, agoda.com, booking.com इनसे कंपेयर कर लेती है, और फ्लाइट में मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ईज माई ट्रिप जैसे जो वेबसाइट है ना, इनमें से सब में कंपेयर करके टॉप पे सबसे सस्ती बता देती है, उसे करवा लो बुक। गोल्डन वीक में ना जापान में बुकिंग नहीं मिलती है, पर इससे हो जाता काम। इसमें ट्रैवलिंग की जो भी जगह सर्च करते हैं ना, तो उसके आसपास में जितना भी टॉप टॉप की चीजें रहती करने वाली वो सारी बता देती है। और इंडिया में रहने वालों के लिए यार बहुत सही है, सरपट एकदम से IRCTC की बुकिंग भी हो जाती है इसी से ही। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना। म्यूजिक की क्लास तो बड़ी गहरी रहती है यार, दिमाग सुन हो जाता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन और लगता है कि और ऐसे ऐसे ऐसा होता है, पढ़ना पड़ेगा भाई बहुत केड़ा। अरे आज म्यूजिक की क्लास में ना जैसे यार बेसिक तो यही पता थी मेरे को, सारे गामा पादा नीसा होता है म्यूजिक में तो सबसे बेसिक, तो जापान में ना वो सारे गामा पादा नीसा नहीं होता, जापान में होता डोरे मीफा सोला टीडो, ये अलग। तो टीचर बता रहा डोरे मीफा सोला टीडो, तो मैंने कि क्या है ये चक्कर, समझ सा ही नहीं आ रहा। तो मैंने कहा सर ये क्या है, कह रहा बेसिक साउंड्स होती हैं ये, ऐसे फिर गाया डोरे मीफा सोला टीडो, सारे गामा पा, समझ गया। कह रहा इंडिया में नहीं होता है डोरे मीफा, मैंने कहा नहीं इंडिया में सारे गामा पा धानी से ऐसे होता है। कह रहा ओ ये अलग ही नहीं आ रहे लेके आए हो तुम सिस्टम, मैंने कहा मैं अलग नहीं रहा हूँ तुम अलग लेके आए हो।今の警報は何やってないよ、何でしょう、何やってんの、今これ見開いじゃなくて他が面したな、遅れるの、なんで、おう、なんででしょう、チョコあげた、そうだから、ありがとう、大切に食べるね、バイバイ、あ、返しただけ、はい、嘘、え、雨降ってる、バリスパッドリーヘア持ってきたの、傘やめてやめて怖いこと言わないで針や針、ああ誰かやってあげないと無理でしょ、怖い怖い怖い、はい、1、2、3、こっちに、おお、できた、え、終わり、ちょ、痛いよ、
な、何これतो कह रहा कि यार मेरा सपना है कान में मैं भी छेद करवाऊंगा और उसे वो लगता है जिसके कान में पियर्सिंग वगैरह होती है ना वो लोग बहुत कूल होते हैं तो उसका भी मन था ये करवाने का बहुत टाइम से तो आज उसको पकड़ के करवा ही दिया उसको चढ़ा दिया वो बाकी तो मैंने कह रहा अरे आज कर जाओ खेल जाओ आज नहीं तो कुछ भी नहीं ये सब वो सब बोल के डर के आगे जीते फलान टीम का लुप लुप हो रखी थी कि बहुत दर्द होगा और एक ने साथ में करवा भी रखा था वो भी कह रहा बिल्कुल दर्द नहीं होता कुछ नहीं होता और उसको सच में दर्द हुआ ही नहीं कसम से कह रहा कुछ भी पता नहीं चला छेद हो गया उसके बाद में कह रहा थोड़ा थोड़ा अब लग रहा है पर बहुत खुश था भाई मैं बहुत खुश कह रहा घर वाले मेरे को लड़ेंगे पर मुझे परवाह नहीं है व्हील चेयर से कोई डिजाइन सा बना रहे हैं बढ़िया सही सा सुबह मैंने आलू के सैंडविच बनाए थे तो उसके आलू पड़े हुए हैं और आटा भी है इसे भर के देखता हूँ आलू को पराठे जैसा कुछ सिस्टम बन जाए तो जल्दी हो जाएगा काम अरे लाइट को क्या हो गया लाइट भी खराब सी हो रही है यार ये बदलवानी पड़ेगी तो म्यूजिक की क्लास में ना तो मेरे साइड में एक लड़का बैठा हुआ तो मेरे हाथ से ना झट एकदम से गलती से कॉपी नीचे गिर गई थी तो मैंने उठा के कॉपी ऐसे नहीं मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए वो चूम सा लेते हैं तो मेरे को देख रहा कह रहा अबे नीचे से मट्टी उठा के चाट ली तो उन्हें पागल हो गया क्या मैंने कहा है पागल क्या मतलब मैंने कहा वो कॉपी नीचे गिर गई थी तो रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसे करते हैं कह रहा इससे क्या होगा मैंने कहा अरे विद्या होती है इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए तभी लाइट को करके मानेगी कुछ तो कह रहा इसको खोल के पढ़ने से ज्ञान मिलता है ये सब करने से नहीं होता मैंने कहा अरे यार तू नहीं समझेगा छोड़ रहे दे अब वो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे समझाऊं यार ये चीजें मैंने बोला उसका भी खाना खाते वक्त भी तो ना जापान में भी हाथ जोड़ते खाना खाने से पहले थैंक यू बोलते भगवान को इतादाकिमस ऐसे बोलते हैं तो मैंने कहा खाना खाने से पहले भी तो हाथ जोड़ते हो ना खाने को रिस्पेक्ट देते हो ना वो तो खा के तो काम चल जाता है ना शरीर का पर फिर क्यों रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उससे कुछ मिला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे ही विद्या होती है ऐसे ही नॉलेज होती है बुक्स और कॉपी से मिलती है हमें तो इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कह रहा अच्छा सही आगे से मैं रिस्पेक्ट करूंगा तब मुझे ज्ञान मिलेगा मैंने कहा अरे बिल्कुल मिलेगा करा कर यार ये फटे ना बस धीरे 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 स्लो 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 अरे साइड से फटने लग गया अरे मान जा आलू के पराठे बनाने भी यार एक आर्ट है हर किसी के बस की बात नहीं है हाँ ठीक साइज है यार इतना बड़ा तो ठीक है एक और YouTube में रेसिपी भी देख ली यार खूब आलू के पराठे की रेसिपी सबकी अलग अलग रहती है एक तो आंटी बता रही थी एक पराठा नीचे लो बीच में भर दो सारे आलू ऊपर एक और पराठा चिपका दो और उसे सेक दो और हम बनाएंगे नेचुरल तरीके से ऐसे अंदर भर के धीरे धीरे स्लो स्लो ये यार लाइट कुछ काम नहीं करने देगी एक तो ये तो अभी से फट गया दूसरे वाला ओ फट मत तो हालात को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा फट गया है अब इससे जा दिए ना यहाँ से और यहाँ से भी और ज़्यादा ना फट जाए तो इसका मैं साइज इतना ही रख रहा हूँ तो ये बन जाएगी हमारी आलू भरी हुई कचौड़ी ये हाल तो सही बन गया एकदम मस्त ओहो वाह मान लगा भाई बहुत सही मजा आ गया आलू के पराठे में कुछ तो बात होती है यार मन सा खुश कर देता कॉलेज के लौंडे यार बड़े हरामी से रहते हैं आज हमारी क्लास थी उसमें क्या था अपने फेवरेट डायरेक्टर के बारे में चीज़ें बतानी थी मतलब एक प्रेजेंटेशन सी देनी थी कि ये मेरा फेवरेट डायरेक्टर है और इस वजह से मुझे ये पसंद है इसकी सोच में ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है और मैं अपनी फिल्म मेकिंग में इसको उतारना चाहता हूँ तो जैसे सब अपना अपना बता रहे थे वो था कोई से भी कंट्री का हो कुछ भी बताओ कोई दिक्कत नहीं तो मैंने बोला सत्यजीत रे जो हमारे भाई महान फिल्म डायरेक्टर उनका मैंने नाम लिया उनकी कई पिक्चर बताई मैंने तो सही था लौंडा बोल रहा यहाँ पे जापान में एक वो वैसी वाली पिक्चरों का डायरेक्टर है काफी फेमस तो उसका नाम ले दिया सारे बच्चे हंसने लग गए टीचर कह रहा अरे मान जा भाई कोई ढंग से बता दे कह रहा अरे मेरे को मेरा फेवरेट डायरेक्टर है वो मैं बताऊंगा ना उसकी चीजें टीचर कह रहा यार ये क्लास है तेरा घर नहीं है ये सारी चीजें अलग रखा कर और कह रहा तो घरवाले कौन सा देखने देते हैं कह रहा स्कूल में आप मना करते हो घर में घरवाले मना करते हैं बाहर पब्लिक प्लेस पे कुछ देखो तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे कह रहा हम एज ए इंस्पायरिंग फिल्म मेकर दूसरे फिल्म मेकरों की आर्ट की कदर नहीं करेंगे तो भैया कैसे काम चलेगा हमें तारीफ करनी चाहिए हमें सपोर्ट करना चाहिए इंडस्ट्री डूब जाएगी सर जी क्या बात कर रहे हो आप मास्टर कह रहा अपना बहु मत रखो और बैठ दो चुपचाप वापस चला जा तू और बाकी लौंडे उससे फुल मजे ले रहे हैं और पीछे से बोल रहे कि सर ये बात गलत है इसको अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए आप इसे मना नहीं कर सकते हो हर किसी का अपने विचार होते हैं टीचर देख रहा कौन बोल रहा है विचारधारा वाला कौन सा है क्लास में रोज की रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है ये सब एनीवेज जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई भगवान कसम कर लीजिए तो थैंक यू है और जो नहीं कर रखा ना आराम से कर लीजिए बाद में कोई आफत ना आ रही है अच्छा जी फिर मिलेंगे राम राम।